हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? सबको नए साल की मुबारक हो। आज मैं मटर पनीर की सब्जी बना रही हूँ। दूध को फाड़ के मैंने ये पनीर निकाल दिया है। अब मैं इसके पहले पीस काट दूंगी छोटे छोटे। ये साइड वाले मैं निकाल दे रही हूँ, ये मैं फिर बाद में ग्रेवी में डाल दूंगी। देखिए पनीर सब कट हो गए हैं। अब मैं सब्जी बना रही हूँ। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। मैं इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गरम हो गया है। अब मैं इसमें आधा चम्मच जीरा डालूंगी। जीरा चटक रहा है। अब मैं एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, ये दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, ये 3 लौंग, 4-5 काली मिर्ची, अब ये मैं इसमें ये एक प्याज डाल दूंगी। सबको अच्छे से थोड़ा सा सिंक करेंगे, ज़्यादा नहीं। अब मैं इसमें ये 4-5 कली लहसुन की डाली, एक हरी मिर्ची, आधे इंच अदरक, इसको बीच बीच में थोड़ा घुमाएंगे जैसे ये एक तरफ से लाल हो जाए, फिर एक तरफ से कच्चा ना रह जाए। देखिए 2 मिनट हो गए, प्याज हल्का हो गया है पिंक। अब इसमें मैं ये एक टमाटर डाल दूंगी, इसको भी थोड़ा सा कुक कर दूंगी। इसके बाद इसको पीस दूंगी। देखिए टमाटर भी कुक हो गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ, ये ठंडा हो जाएगा तो इसको पीस दूँगी। जब तक वो टमाटर प्याज ठंडा हो रहा है, तब तक मैं ये जो एक्स्ट्रा पनीर है इसको पीस दे रही हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए या तो दूध मिलाइए, लेकिन मैं तो पानी डाल रही हूँ। देखिए पनीर को भी पीस दिया और ये मसाला भी ठंडा हो गया है, उसको भी पीस दिया। अब मैं सब्जी बना रही हूँ। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ, 1 चम्मच देसी घी। ऑयल गरम हो गया है, पहले मैं एक तेज़पत्ता डाल दिया। अब इसमें मैं ये जो मसाला पीस के रखा था इसको भी डाल दूंगी। इसको थोड़ी देर भूनेंगे। ये मसाला जल्दी भून जाता है, 2-3 मिनट में। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि इसको पहले भी थोड़ा सा भून लेते हैं ना। थोड़ी सी हींग डाल दे रही हूँ। देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं, मसाला लगभग भून गया है, ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। अब मैं इसमें सूखे मसाले डालूंगी, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ी लाल मिर्ची, थोड़ा धनिया पाउडर, इन सबको भी अच्छे से भून देंगे। कि मसाला भुन गया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ। अब मैं इस पानी को पहले थोड़ा सुखा दूंगी। ये पानी सूख गया है। अब 1/2 कप मैंने ये मटर को बॉईल कर दिया था, इसको भी डाल दूंगी।
इसको भी भून देंगे। देखिए मटर भी भून गया है, अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूंगी। अब 2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे, मसाला थोड़ा अच्छे से कुक हो जाए। देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं, ग्रेवी भी कुक हो गई है। अब मैं ये पनीर को डाल दूंगी। पनीर को ज़्यादा नहीं कुक करते, नहीं तो वो हार्ड हो जाता है, इसलिए इसको लास्ट में डालते हैं। पनीर को भी साथ में 1 मिनट भून लेंगे। अब मैं इसमें ये नमक डाल दूंगी। आप चाहें तो इसी तरह सूखी सब्जी भी खा सकते हैं, और नहीं तो ग्रेवी बनानी हो तो ग्रेवी भी बना सकते हैं। अब मैं ये जो पनीर था इसको पानी डाल के पीस दिया था, इसको भी डाल दिया। 2-3 मिनट तक इसको बॉयल होने देंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से जितनी बनानी हो, हल्की बनानी हो, गाढ़ी बनानी हो, उतनी बना सकते हैं। अब इसको ढक के 3-4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे रख दूंगी। आप चाहें तो पनीर फ्राई करके भी डाल सकते हैं। देखिए 3-4 मिनट हो गए, सब्जी अच्छे से कुक हो गई है, ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ। देखिए मटर तो बॉयल पहले से ही थे। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ। ऊपर से थोड़े हरे धनिए से गार्निश कर दीजिए। देखिए सब्जी बन गई है, कितनी अच्छी लग रही है। आप लोग भी बनाइए नए साल में, और मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसी बनी। धन्यवाद।